Hacker! Hacker! जलवा है हमारा, मजा आया। तो गाइस आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है गाइस सेंसिटिविटी। अब आप में से 90% बंदों के सामने हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहती है कि आप लोग एक परफेक्ट सेंसिटिविटी नहीं ढूंढ पाते हो, जिससे गाइस आप लोगों के ना तो बन टैप पड़ते ना ही आप लोगों के हेड पड़ते, यहाँ तक कि आप लोगों की जो मूवमेंट स्पीड होती है वो भी काफी नूब की तरह ही होती है। आज से पहले आप लोगों ने सेंसिटिविटी के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जिनमें यूट्यूबर आप लोगों को अपने मन के हिसाब से कोई भी सेंसिटिविटी बता देते हैं, जो कि आप लोग अपने मोबाइल के अंदर यूज भी करते हो, जिससे गाइस आप लोग के ना तो बन टैप पड़ पाते ना ही आप लोगों के हेड पड़ पाते। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं वो सब कुछ प्रूफ के साथ होने वाला है। आप लोग अपनी सेंसिटिविटी के अंदर थोड़ा ध्यान देखो तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, जिनमें से आप लोग की दो तो होती है जनरल और रेड डॉट सेंसिटिविटी, 3 होती है आप लोग की स्कोप सेंसिटिविटी, जिनके अंदर आप लोगों का 2x, 4x और स्नाइपर स्कोप आता है, और सबसे लास्ट में होती है आप लोगों की प्रीलोड सेंसिटिविटी। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से और देखोगे तो यहाँ पर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को 0 से लेकर 100 तक मैक्स कर सकते हो, यानी आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को 100 प्लस नहीं लेके जा सकते। लेकिन आज की वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी या फिर जितनी भी आप लोग यहाँ पर सेंसिटिविटी दिख रही है सारी की सारी सेंसिटिविटी को आप लोग 0 से लेकर 100 या फिर 100 प्लस किस तरीके से कर सकते हो। चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोग अपनी मोबाइल की रैम के हिसाब से या फिर आप लोग अपनी मोबाइल की कंपनी के हिसाब से ऐसी कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी चाहिए, जिससे गाइस आप लोग के मोबाइल में वर्क भी करे और आप लोग के बन टैप भी नेक्स्ट लेवल के पड़े और आप लोगों के हेडशॉट भी नेक्स्ट लेवल के पड़े। उसके बाद जो सेकंड नंबर का टॉपिक है वो ये होगा कि आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को 100 प्लस किस तरीके से लेके जा सकते हो, फिर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिवअवे और चलाएंगे। आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड वो दूंगा। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोगों को आज की इस वीडियो का कमेंट बॉक्स जाना है। कमेंट बॉक्स जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी से तक मैसेज डाल देना, तो आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड वो दे दूंगा। उसके साथ ही मेरी तुम सभी से शुरू में एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमारी 9.5 लाख फैमिली कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ हमारे 8,000 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये टारगेट 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दो। देखो यहाँ पर मैं आपको कोई कसम बसम तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरी तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। अब देखो मैंने आपको 2 दिन का टाइम दिया है, मेरे को पता है कि आप लोग 2 दिन के अंदर 9.5 लाख फैमिली हमारी कंप्लीट कर दो। जल्दी से नीचे साइड जाओ, वहां पर आपको लाइक वाला बटन भी मिल जाएगा और सब्सक्राइब वाला बटन भी मिल जाएगा। और आज जो बंदा हमारे चैनल को न्यू सब्सक्राइब करे तो कमेंट बॉक्स में याद से न्यू सब्सक्राइबर लेके कमेंट कर दो। देखो वीडियो के शुरू में आपको एक बात बोली थी कि मैं आज की वीडियो में आपको जो कुछ बताने वाला हूँ वो प्रूफ के साथ होने वाला है। तो अभी हम बात करने वाले विद प्रूफ के साथ कि आप लोगों को अपनी मोबाइल की रैम के हिसाब से या फिर मोबाइल की कंपनी के हिसाब से कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों के ओनली और रैंडम नंबर ही पड़े। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर जो क्रोम ब्राउजर होता है उसे ओपन कर लेना। जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है जो सी कंपनी का आप लोग मोबाइल यूज करते हो। जैसे यहाँ पर मैं पोको का मोबाइल यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपली पोको लिख दिया। आप लोग जिस कंपनी का मोबाइल यूज करते हो आप लोग को वो कंपनी यहाँ पे लिख देना। जैसे आप लोग पोको का यूज करते हो, सैमसंग का यूज करते हो, रियलमी करते हो या फिर ओपो का करते हो, कोई सा भी आप लोग कंपनी का मोबाइल यूज करते हो, आप लोग को सिंपली यहाँ पर मोबाइल की कंपनी लिख देनी है। उसके बाद आप लोगों के पास उस कंपनी के मोबाइल का कौन सा मॉडल है, जैसे यहाँ पर मेरे पास है पोको X3 Pro, तो आप लोगों को सिंपली उसका मॉडल भी यहाँ पे लिख देना है। मॉडल लिखने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर टाइप करना है फ्री फायर। फ्री फायर के बाद आप लोगों को लिखना है सेंसिटिविटी सेटिंग। जैसे कि आप लोग ये टाइप करोगे तो आप लोग को सिंपली इसे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सर्च कर देना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने आपके मोबाइल की जो सेंसिटिविटी होती है वो आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरी जनरल सेंसिटिविटी को ये बोल रहा है कि 95 पे सेट करो, रेड डॉट को 90 पे सेट करो, इसके बाद स्कोप सेंसिटिविटी को 85, 75, 58 और फील्ड सेंसिटिविटी को 67। आप लोग के पास चाहे कोई सी भी कंपनी का मोबाइल हो, कोई सा भी मॉडल हो, आप लोगों को ये सबसे बेस्ट सेंसिटिविटी ढूंढ के दे देगा। आप लोग गूगल वावा से पूछ सकते हो कि आप लोगों की मोबाइल की रैम के हिसाब से आप लोगों के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको जो पहली ट्रिक है वो प्रूफ के साथ बता दी। अभी हम बात करने वाले सेकंड ट्रिक के बारे में, बात की अगर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो, 100 प्लस करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप लोगों को ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसको फॉलो करना है, जैसे कि आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले बोला है कि जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ वो सब कुछ प्रूफ के साथ होने वाला है। तो अगर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को चाहे कितना भी खींच लो, ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसे 100 प्लस नहीं लेके जा सकते, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको ट्रिक बताऊंगा उससे आप लोग इसे 100 प्लस लेके जाओगे। अब देखो आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को 0 से लेकर 100 तक के बीच में रख सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है, आप लोगों को पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसे ओपन करना है। जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है डेवलपर ऑप्शन। अब
देखो आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जिनको डेवलपर ऑप्शन ऑन करना नहीं आता है, पर आपके मोबाइल के अंदर अगर डेवलपर ऑप्शन ऑन ना हो तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना तो चलो है। पहले मैं आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करना बता देता हूँ। तो आप लोगों को अबाउट फोन पर क्लिक करना है। अबाउट फोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को MIUI वर्जन दिखेगा या फिर दिखेगा बिल्ड नंबर, तो इस पर आपको लगातार 6 या 7 बार टैप करना अब है। जब आप लोग इस पर 6 या 7 बार लगातार टैप करोगे तो आप लोगों का जो डेवलपर ऑप्शन होता है वो ऑन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको सिंपली इसमें बैक कर देना है। बैक करने के बाद आप लोग इसे सर्च करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप लोगों को यहाँ पर एक सेटिंग दिखती है जिसका नाम होता है एडिशनल सेटिंग। जैसे कि आप लोग एडिशनल सेटिंग पर क्लिक तो करोगे एडिशनल सेटिंग में सबसे नीचे में आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जैसे कि आप लोग अपना डेवलपर ऑप्शन ऑन करोगे तो उसके बाद आप लोगों को इसमें स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे एक साइड जाना अब जब है। आप लोग इसमें थोड़ा सा नीचे एक साइड जाओगे तो वहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम होता है स्मॉलेस्ट विड्थ। तो आप लोगों को सिंपली वहां पर एक छोटा सा काम करना है कि जितना भी आप लोगों का स्मॉलेस्ट विड्थ हो तो आप लोगों को सिंपली उसे कट करके वहां पर 0 सेट करके ओके पे सेट कर देना ओके, देखो है। अगर आप लोगों के मन में कंफ्यूजन हो तो स्मॉलेस्ट विड्थ को ही हम बोलते हैं DPI। यानी कि आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी कि अगर आप लोग अपनी DPI को इंक्रीज करते हो तो उस टाइम पर आप लोग की मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है और आप लोग कैश आउट और वन टैप नेक्स्ट लेवल के पड़ते अब हैं। मैंने आपको आपकी DPI को 0 करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो कि भूल चुके हैं कि हमारे मोबाइल के साथ कितनी DPI आई थी। जैसे यहाँ पर 0 पे सेट करोगे तो आप लोग ये पता लगा सकते हो कि आप लोगों के मोबाइल के साथ कितनी DPI आई अब जब थी। मैंने अपनी DPI को 0 पे सेट किया था तो उसके बाद मेरी जो DPI थी वो थी 320। तो आप लोगों की जितनी भी DPI आई हुई होती है उसमें आप लोगों को 200 एक्स्ट्रा ऐड कर देनी। जैसे अगर आप लोगों की 320 है तो उसे 520 कर देना, अगर आप लोगों की 520 है तो उसे 720 कर देना। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखो आप लोगों को यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोग अपनी DPI को 750+ मत किया करो, ठीक है। अगर आप लोग 750+ करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों के मोबाइल का पूरा कवाड़ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग के वन टैप तो अच्छे पड़ेंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद आप लोगों का मोबाइल काम करना बंद कर देगा। तो तो मैं बस आपको इतना ही बोलूंगा कि आप लोगों की जितनी भी DPI होती है उसमें आप लोगों को 200 एक्स्ट्रा DPI ऐड करनी, ज्यादा DPI ऐड करने की जरूरत नहीं और जब है। आप लोग अपनी DPI को इंक्रीज करते हो तो उसके बाद तुम खुद ही देखना कि आप लोगों की मूवमेंट स्पीड बढ़ेगी, आप लोगों के वन टैप भी अच्छे पड़ेंगे और आप लोगों के हेडशॉट भी नेक्स्ट लेवल के ही और पड़ेंगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप करते ना ही आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ओपी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 2 डायमंड ले सकते हो, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ ही बताने वाला लेकिन हूँ। उससे पहले मैं तुम सभी से वापस रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि देखो 8,000 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, 9.5 लाख फैमिली कम हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो यार, इतनी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, तो हो सके तो अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा दिया तो करो। चलो जल्दी से नीचे एक साइड जाओ और वहां पर आपको लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा तो सिंपली आप लोगों को उन दोनों पे एक साथ प्रेस कर देना। चलो अभी हम बात करते हैं कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 2 डायमंड किस तरीके से ले सकते हो, वो भी यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ ही बताने वाला हूँ देना। तो जैसा कि यहाँ पर तुम प्रूफ के तौर पर देख सकते हो कि मेरे पास अभी 36 डायमंड है। तो जैसे ही आज आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओगे वहां पर आप लोगों को 2 डायमंड की लिंक मिल जाएगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल रखी, तो सिंपली आप लोगों को इस पर टैप करके इसे डाउनलोड करके ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है तो आप लोगों को इसे अनइंस्टॉल कर देना है। आप लोगों को मेरी लिंक से इसे डाउनलोड करना है तभी आप लोगों को फ्री में 2 डायमंड मिलेंगे। तो एक बार इसे चेक कर लेना कि आप लोगों ने पहले ही इसे इंस्टॉल तो नहीं कर रखा है, तो अगर कर रखा हो तो अनइंस्टॉल करके वापस से इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आप लोगों के मोबाइल पर एक OTP आता है तो OTP सिंपली आप लोगों को इसमें फिल कर देना अब है। जैसे ही आप लोग इसमें अपना OTP फिल करोगे आपको मिलता है वहां पर 2,000 रुपए का वेलकम बोनस, यानी आप लोगों का जो ऐप है वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को 2,000 रुपए का वेलकम बोनस मिलता है। इस 2,000 रुपए के वेलकम बोनस को अपने फ्री फायर अकाउंट में लेने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोगों को लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ 3 लाइन दिखेंगी तो सिंपली आप लोगों को 3 लाइन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोगों को मिलता है बोनस समरी, तो आप लोग जैसे ही बोनस समरी पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को 2,000 डायमंड सेलेक्ट करने, अपने गेम की जो आईडी होती है वो सेलेक्ट करने, रिडीम वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग रिडीम वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आप लोग अपने गेम के अंदर जाना है, वहां पर आप लोग को 10-15 सेकंड का टाइम लेना है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि आपकी आईडी में 2 डायमंड आ जाएंगे। तो इस ऐप की जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। देखो आप लोगों को इसमें करना भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, उसके बाद आप लोगों को बोनस समरी पर क्लिक करना है और रिडीम वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना, आपको 2 डायमंड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग को बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आप लोग चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं वहां पर आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है वो सारे के सारे सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन एक बार मेरे कहने से जाके कमेंट बॉक्स जाके चेक करो, वहां पर जो लिंक है उसे इंस्टॉल करो, डाउनलोड करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। जो भी बंदा न्यू सब्सक्राइब करे तो कमेंट बॉक्स में याद से न्यू सब्सक्राइबर लेके कमेंट कर देना।